नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब एमपी हाई कोर्ट जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता रहा है जिसमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम के बारे में स्पेशली हम बात कर रहे हैं 2023 में एक नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में जो एमपी सर्विस रूल्स हैं जुडिशल ऑफिसर्स के लिए उसके अमेंडमेंट की बात की गई थी और ये जो नोटिफिकेशन आया था इसके बाद से ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कई तरह की चीज़ें हैं कि कौन एग्ज़ाम दे सकेगा कौन नहीं दे सकेगा क्योंकि एम सर्विस जो रूल है जुडिशल सर्विसेज के लिए नाइनटीन का उसको अमेंड कर दिया गया था ये जो अमेंडमेंट आया अमेंडमेंट में कुछ खास बातें जो की गई वो ये कि वो ही स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे जिनके 70 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स हैं दूसरी बात ये कह दी गई कि अगर 70 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं तो कम से कम तीन साल का एक्सपीरियंस चाहिए फिर तीन साल के एक्सपीरियंस के लिए ये बात कह दी गई कि एक साल में कम से कम छह केस में वो व्यक्ति अपीयर हुआ हो एज एन एडवोकेट अपियर होने का मतलब ये नहीं है कि डेट लेने या एडजर्न करने के लिए अपियर हुआ हो उस दिन कुछ मटेरियल कार्यवाही होनी चाहिए तात्विक कार्यवाही होनी चाहिए या सेवेंटी परसेंट मार्क्स हो वहीं एस सी कैंडिडेट के लिए ये जो मार्क्स थे ये फिफ्टी कर दिए गए थे फिर हुआ ये कि एक पिटिशन लगाया गया जो मार्क्स थे ओबीसी वालों के लिए कहा गया कि आप भी 50 परसेंट हो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं जनरल कैंडिडेट्स या यूआर कैंडिडेट्स के लिए कहा गया कि वो 70 परसेंट से कम मार्क्स होने पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे फिर एक चीज़ और जोड़ दी गई थी कि वो लोग जो कभी भी एटी टी वाले हैं मतलब फर्स्ट टाइम में एग्जाम पास नहीं किया है वो भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे इस पूरे मैटर को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और जेके माहेश्वरी साहब की बेंच ने यह डिसाइड किया इंटरिम ऑर्डर पास किया कि सभी बच्चों को एग्जाम देने दिया जाए प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों में उनको अपियर होने का मौका मिला और साथ ही ये भी कहा था कि ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है इंटीरियम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिस्पोजल्स ऑफ ऑल द रिट पिटीशन बाई दबल एम पी हाई कोर्ट मतलब कहा कि अभी तो सबको एग्जाम देने दीजिए और जैसा एम पी हाई कोर्ट जितने भी पिटिशन लगे हैं इस रूल तो, अमेंडमेंट uh, के लिए जब वो डिसाइड कर देगी तो ये जो ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट का दैट विल बी सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ दी हाई कोर्ट और अभी हाल ही में एमपी हाई कोर्ट की बेंच ने जहां जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिमत साहब चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस विशाल मिश्रा साहब की बेंच थी इन्होंने 170 पेजों का जजमेंट पास किया 170 पेजेस में और इसमें इन्होंने जितने भी पिटिशनर्स जिन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे उन सारे क्वेश्चन को वन बाई वन डील किया मैं कुछ मटेरियल पार्ट रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है उनका क्या होने जा रहा है और ये भी बात करेंगे कि ये जो जजमेंट आया है ये अच्छा है क्या या इस जजमेंट में क्या लूप होल्स हैं हम इस बारे में भी बात करेंगे तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है इस डिस्कशन के साथ में और जो भी आपकी मन की बातें हैं टाइम बाई टाइम कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें अगर ठीक से पहुंच जाएं तो शायद इन रूल्स को बदलने में मदद मिले या ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है या जो भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लेकर जा रहे हैं वो एडवोकेट्स अगर इन बातों को उठाएं तो शायद स्टूडेंट्स के फेवर में जजमेंट आ सकता है तो जो ऑर्डर है ऑर्डर में सबसे पहली बात जो मैं रीड करना चाह रहा हूँ लिखा है द फर्स्ट पिटीशन टू बी फाइल वॉज डिट पिटिशन नंबर वन ऑफ़ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री देवान्श कौशिक ने ये पिटिशन फाइल किया था the prayer made therein is to set aside the amendment in rule 7 of the madhya pradesh judicial service recruitment and conditions of service rules 1994 as notified in the madhya pradesh gazette dated 23 june 2023 23 june 2003 को amendments आए हैं जैसा कि मैंने बताया और पहला जो पिटीशन है इसके रूल 7 को uh, amend करने या हटाने के लिए set aside शब्द लिखा है अपास करने के लिए लाया गया ये जो रूल सेवन था ये रूल सेवन ही इस बारे में बात कर रहा है जो मैंने बताया सेवेंटी परसेंट मार्क्स चाहिए या आई टी नहीं चाहिए ये सारी बातें रूल सेवन में आई हैं। फिर जो है एक पिटिशन है वर्षा पटेल का वर्षा पटेल ने जो रिलीफ मांगी है लिखा है एन इंटरिम ऑर्डर वाज ग्रांटेड जब रिलीफ मांगी थी एक बारह दो को डायरेक्टिंग दैट ओ बी सी कैटेगरी कैंडिडेट शुड बी एक्सटेंडेड द सेम रिलेक्सेस मार्क्स एज प्रोवाइडेड टू द स्केड कास्ट एंड स्केडूल फोर एज वेल एज प्रोवाइजो रूल सेवन जी ऑफ द रूल्टी फोर तो ये जो इंतरिम ऑर्डर दिया गया था केस का नाम मैंने आपको बता दिया वर्षा पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यह पिटिशन था जिसमें कोर्ट ने इंटरिम इंटरिम रिलीफ रिलीफ दिया था था क्या कि ओबीसी कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकेंगे जिनके मार्क्स 50 परसेंट में उनको 70 परसेंट में नहीं ले जाया गया था फिर शिवानी सोनकर ने एक रिलीफ मांगी थी लिखा है इंटरिम ऑर्डर इस रिलीफ में दिया गया था बारह बारह दो को द इंटरिम ऑर्डर वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओनली सो फार As the third petitioner was concerned, it was her case that due to change of university, some subjects changed. Therefore, so far as the changed subjects are concerned, even though she did not write the exam, she was considered as failed. Therefore, an interim order was granted directing the authorities that in case she has passed the exam,

लिख लिया गया था डिसाइड कर लिया था कोर्ट ने एंड इट वाज रिजर्व फॉर ऑर्डर ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सब्सिक्वेंटली ऑफ मार्च पास इन एप्लीकेशन बहुत सारे रिपीटेशन है देवान्स कौशिक का भी एक रिटिपिटेशन है टाइम वाज एक्सटेंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टिल द एंड ऑफ मार्च ट्वेंटी फॉर डिस्पोजल ऑफ द देंडिंग रिटपिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को देखने के बाद यह कह दिया था कि मार्च एंडिंग तक आप जो है आ, सारे पिटिशन्स को डिस्पोज करें और डिसाइड करें कि क्या सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इस 170 सेवेंटी पेजेस के जो जजमेंट है इसमें हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल में एक एक पिटिशन में जो क्वेश्चन उठाए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डील किया है मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है लेकिन मैं चाहता हूं ये सारी बातें भी आपको जाननी चाहिए हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये नियम आउटस्टैंडिंग टैलेंटेड इंटेलिजेंट जजेस को लेने के लिए बनाए गए हैं और ब्रिलियंट लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो ही जुडिशियल करियर में आएँ इसके लिए बनाया गया है जब हम क्लास नंबर 36 के पैराग्राफ ई में जाते हैं तो कौन है वो यंग एंड ब्रिलियंट लॉ ग्रेजुएट्स इनकी डेफिनेशन क्या होगी इस बारे में बहुत डिटेल में इन्होंने बात की है और इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को कोट किया है और कह रहे हैं कि वर्ड ब्रिलियंट मीन्स आउटस्टैंडिंगली टैलेंटेड और इंटेलिजेंट एज़ पर द चैम्बर्स डिक्शनरी एक डिक्शनरी और इन्होंने रेफ़र किया है द वर्ड ब्रिलियंट इज डिफाइंड एज एक्सीलेंट एक्सेप्शनली गुड ऑल्सो आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस और टैलेंट ये डिक्शनरीज लेकर ये बैठे थे ऑनरेबल जजेज और जजमेंट में बार बार डिक्शनरीज कॉलिंस डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ब्लैक लॉ डिक्शनरी चैम्बर्स डिक्शनरी डिक्शनरीज को कोट किया गया है इन्होंने हिसाब ये दिया है कि 35 मार्क्स से कम वाले फेल होते हैं 35 से 45 वाले पास होते हैं फोर्टी फाइव से सिक्सटी परसेंट मार्क्स वाले सेकेंड क्लास होते हैं सिक्सटी मार्क्स से सेबव वाले फर्स्ट क्लास होते हैं और सेवेंटी मार्क्स से ज्यादा वाले जो लोग ये हैं डिस्टिंक्शन लाने वाले लोग और ये हैं आउट स्टैंडिंग रिकॉर्ड वाले लोग ये हैं ब्रिलियंट लॉ ग्रेजुएट्स तो इनके बारे में ये बात कर रहे हैं फिर इन्होंने कोट किया है एज पर कॉलिस् को बिल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ आउट स्टैंडिंग इज एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स आर वेरी रिमार्केबल एंड इम्प्रेसिव तो ये चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जुडिशरी में न्याय जो आउटस्टैंडिंग करियर रिकॉर्ड रखते हैं सो दैट जस्टिस जो डिलीवर हो रहा है वो क्वालिटी जस्टिस डिलीवर हो और न्याय जो है वो हो सके अब इसमें दो प्रश्न उठते हैं ऑनरेबल एम पी हाईकोर्ट के सामने पहला ये कि क्या दो हजार चौबीस तक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक टिल डेट जो जजेस आ रहे थे वो ठीक जजमेंट नहीं दे रहे थे क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जब तक ये रूल अमेंडमेंट नहीं हुआ तब तक जो है क्वालिटी जजेस नहीं थे या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक न्याय नहीं हो पाया अब यहां से न्याय होना शुरू होगा यह क्या है इस बात को शायद कोर्ट ने क्लियर नहीं किया और मुझे लगता है कि यह प्रश्न कोर्ट के सामने उठाया जाना चाहिए था फिर एक बात लिखा है ही शुड सिक्योर अप्रोप्रियट मार्क्स एंड नॉट जस्ट इन दाइनल एग्जामिनेशन देर फोर एफर्ट इन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट हिज लॉ डिग्री कोर्स इट इज़ नॉट सफिशियंट दैट ही इग्नोर ऑल दी एग्जाम्स एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली इन फाइनल ईयर एग्जाम टू ऑपटेन मार्क्स कह रहे हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा थ्रू आउट करियर उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं होगा कि पहले दूसरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं करी और फाइनल ईयर में बढ़िया पढ़ाई कर ली उसको हम इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नहीं मानेंगे फिर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में एक जजमेंट दिया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो तीन साल की है, वो नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ध्यान रख जो का जो, आ, केस था, इसमें उठाया गया था कि क्या तीन साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी की जा सकती है किसी भी जुडिशियल एग्जाम्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं किया जा सकता तो यही बात इन्होंने अपने जजमेंट में कोर्ट की है लिखा है दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिलीटेड द मैंडेटरी कंडीशन ऑफ थ्री ईयर्स प्रैक्टिस वॉट वॉज डन अवे विथ वॉज अ मैंडेटरी कंडीशन हाउ एवर बाई द इम्पनेट अमेंडमेंट इट इज नो लॉन्गर अ मैंडेटरी कंडीशन बट एन ऑप्शनल कंडीशन देअर फॉर द कंटेंशन ऑफ आर्टिकल नाइनटीन वन जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वॉयलेटेड इन अवर कंसिडर्ड व्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कंडीशन को डिलीट किया था और एम पी हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें कंडीशन मैंडेटरी नहीं है मतलब ये कि इन्होंने कहा है या तो आप तीन साल की प्रैक्टिस लेकर आइए या सेवेंटी परसेंट के मार्क्स लेकर आइए अगर ये तीन साल की प्रैक्टिस चाहिए ही ऐसा कहते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वॉयलेसन होता तो इनका कहना है हम मैंडेटरी कंडीशन नहीं दे रहे हैं ये ऑप्शनल है इसीलिए ये बात जो है आर्टिकल नाइनटीन वन जी के वॉयलेशन में नहीं मानी जा सकती ये बात जजमेंट में ये कह रहे हैं मैं कुछ और ऑपरेटिव पार्ट आपके लिए पढ़ दूँ इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए कि तीन साल की प्रैक्टिस वाला जो कॉलम है वो नहीं हटा है तीन साल की प्रैक्टिस इनको चाहिए फिर सेवेंटी परसेंट वाले मार्क्स के बारे में मैंने बताया कि सेवनटी परसेंट मार्क्स जो है वो भी चाहिए और इससे ये ऐसे जजेस को लेकर आना चाह रहे हैं जिनका आउट करियर रिकॉर्ड है जो ब्रिलियंट हैं और जो जस्टिस डिलीवरी कर पाएंगे ऐसा ऑनरेबल हाईकोर्ट के बेंच का कहना है नाउ एक क्वेश्चन था रिजर्वेशन टू डब्ल्यू कैंडिडेट्स के बारे में वन ऑफ द दिटिशनर और ऑल्सो अग्रीव बाई नॉन इंक्लूजन ऑफ टेन परसेंट रिजर्वेशन फॉर ई डब्ल्यू एस तो एम पी हाईकोर्ट जो वैकेंसी इशू करती है उसमें ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के, के लिए टेन परसेंट रिजर्वेशन नहीं है और इससे कोई व्यथित है अब इसके लिए इन्होंने क्या कुछ लॉजिक दिया है सुनिए ये कह रहे हैं द रेस्पेंट है पटिशनर्स देट इन द एडवर्टाइजमेंट इश्यूड बाई द कोर्ट देर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड द सेम इज़ इन कन्फर्मिटी विद द मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रूल्स नाइनटीन नाइनटी द रूल्स डू नॉट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये कह रहे हैं कि उन्नीस का जो नियम है इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन के, के जैसा कोई प्रावधान नहीं है होगा भी कैसे 1994 में ई रिजर्वेशन की तो बात आई ही नहीं थी डब्ल्यू एस रिजर्वेशन तो अमेंडमेंट का पार्ट है नवल किशोर मिश्रा एंड अदर्स वर्सेज हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियचर ऑफ अलाहाबाद थ्रू इट्स रजिस्ट्रार जनरल एंड अदर्स रिपोर्टेड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन इन पेरा नाइन टू ट्वेंटी तो नवल किशोर मिश्रा वाला जो जजमेंट है इस जजमेंट में साफ साफ ये कहा गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा कितना रिजर्वेशन होगा ये सारी बातें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे और हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया कह रहे हैं दस इन व्यू ऑफ द लॉ लेट डाउन बाई दबल सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ द अथॉरिटी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन एंड देंट देयर ऑफ इज इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वेस्ट इन दी हाई तो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट पर यह निहित है हाई डिसाइड करेगा कि रिजर्वेशन क्या कितना दिया जाना चाहिए और हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि किस को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो द सेम व्यू वॉज एक्सप्रेस बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ नवल किशोर मिश्रा जो भी मैंने रिपीट किया 2015 का ये डिसीजन था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि इट इज अनडिस्प्यूटेड

और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग थी ये ये 2 अगस्त 2019 को हुई मतलब जनवरी में अमेंडमेंट आ गया था कॉन्स्टिट्यूशनल उसके बाद इन्होंने मीटिंग की और कहा कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं देंगे देयर आफ्टर द मैटर वाज प्लेस बिफोर द फुल कोर्ट विच एक्सेप्टेड द सेट व्यू इन टर्म ऑफ द रिजोल्यूशन डेटेड बीस आठ दो हज़ार अगस्त दो को ये जो रिजोल्यूशन इनका है इसको मान्यता दे दी गई हाईकोर्ट के फुल बेंच के द्वारा भी कि हाँ ठीक है ई को रिजर्वेशन नहीं देंगे

तो इन्होंने पूरा डिस्कस किया इस बात को और कहा कि तो हाई कोर्ट ने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की और बहुत डिस्कस किया है इसे पैराग्राफ नंबर 62, 63 ए बी में और कहा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलएलबी की डिग्री है और एलएलबी की डिग्री में 70 परसेंट मार्क्स चाहिए अगर आपने पी किया है नहीं किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पी में आप कितने परसेंट मार्क्स लेकर आए हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब इस बात को भी साफ साफ डिनाई कर दिया है फिर देखें एक इंपॉर्टेंट uh, बात इन्होंने कही इसमें ही ये कह रहे हैं बार बार द पिटिशनर कैन नॉट क्लेम टू बी ब्रिलियंट स्टूडेंट फॉर द सिंपल रीजन दैट द रूल इट्स सेल्फ स्पेसिफाइड दैट एन आउट स्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट इज अ पर्सन हु हैज पासड ऑल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट विदलीस्ट सेवेंटी परसेंट मार्क्स कह रहे हैं कि सत्तर प्रतिशत नंबर लेकर आया हो पहले अटेम्प्ट में पास हुआ हो एल एल बी की डिग्री में हुआ हो तो उसको ही कहेंगे आउट स्टैंडिंग ब्रिलियंट लॉ स्टूडेंट उसके अलावा बाकी सब गधे हैं ऐसा ये कहना चाह रहे हैं लिखा है एल एल एम इज द पी जी कोर्स एंड इज नॉट द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ये कहना चाह रहे हैं एल एल एम एक पी जी कोर्स है और बेसिक एलिजिबिलिटी को ये नहीं मान रहे हैं कह रहे हैं कि एल एल एम बेसिक एलिजिबिलिटी नहीं है तो इसमें कितने परसेंट है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आगे एक और बात मैं बताऊँ आपको एक काम की बात एक पिटिशन है नेहा कोठारी का इसमें कुछ भाषा का उपयोग किया गया पैराग्राफ नंबर फोर्टी थ्री में

फिर एक डिक्शनरी लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि आपने गलत भाषा का प्रयोग किया है हाई कोर्ट के लिए लिख रहे हैं द मीनिंग ऑफ अट्रोसियस इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज बीइंग एक्सट्रीमली विकेड ब्रूटल एंड क्रूअल बहुत क्रूर ब्रूटल और विकेड इसका मतलब होता है और लिख रहे हैं वी डू नॉट थिंक दैट द लेजिस्लेशन कुड बी चैलेंज बाई सच टर्मनोलॉजी कह रहे हैं कि आप लेजिस्लेशन विधायिका को कानून बनाने वालों को आप इस तरह के शब्दों से संबंधित नहीं कर सकते कह रहे हैं आपको सिर्फ पिटिशन करने का अधिकार दे दिया गया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करें जबकि दिखाई क्या पड़ रहा है दिखाई ये पड़ रहा है कि जब से 2023 का यह नोटिफिकेशन आया है जितने भी स्टूडेंट हैं जो एम पी जुडिशरी को टारगेट कर रहे थे वो प्रताड़ित लगातार हो रहे हैं मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और तो और भोपाल में एक लड़की ने आत्महत्या भी कर ली ये जो सुसाइड हुआ है नोटिफिकेशन चेंज होने के कारण क्या ये क्रुएलिटी और टॉर्चर का परिणाम नहीं है तो ये जो वर्ड अट्रॉसियस यूज हुआ है क्या इसको देखा और समझा नहीं जाना चाहिए क्या लेजिस्लेशन जब कभी ऐसा कोई कानून बनाती है जो आम लोगों में भेदभाव करने वाला है तो क्या कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि उस कानून को मंगाकर शून्य घोषित कर सके तो यह कोर्ट का व्यू है आप देखिए कोर्ट कह रहा है कि ऐसे शब्द आपको उपयोग नहीं करने चाहिए फिर इन्होंने वापस से ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के जजमेंट को कोर्ट किया है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यह कह रहे हैं वॉस टू दी एफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द शेटी कमीशन विद रिगार्ड टू परमिटिंग आउट स्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट विद्रिलियंट अकेडमिक करियर टू अपियर इन दाम शेट्टी कमीशन के एक लैंग्वेज को इन्होंने कोट किया है और साथ ही ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के जजमेंट को रिपीट किया है जहां कह रहे हैं कि शेट्टी कमीशन का ही ये कहना था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही था जहां वो कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट आने चाहिए ब्रिलियंट अकेडमिक करियर रिकॉर्ड के साथ में अब ये दो जो फ्रेजोलॉजी है जिसमें एक है आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट और दूसरा है ब्रिलियंट अकेडमिक करियर ये दो शब्द कि ये कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दी ना इसकी डेफिनेशन शट्टी कमीशन ने दी तो इन्होंने खुद ने डिसाइड कर दिया कि जो सेवेंटी परसेंट मार्क्स वाले हैं जिन्होंने कभी एटी के टी जिन्होंने नहीं पाया है वही ब्रिलियंट हैं और आउट स्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट कहे जाएंगे ऐसा ये कह रहे हैं फिर ऐसा क्यों किया इन्होंने तो ये लिख रहे हैं टू एंश्योर क्वालिटेटिव डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल कह रहे हैं बेस्ट में से बेस्ट को चुनेंगे और क्वालिटी डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस करेंगे फिर आगे ये जजमेंट में लिखते हैं अमेंडमेंट इज इन ट्यून विद आर्टिकल ऑफ़ कि हर एक व्यक्ति को अपनी उत्कृष्टता को पाने का प्रयास करना चाहिए और ये जो रूल आया है जिसमें सेवेंटी परसेंट से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट ही एग्जाम दे पाएंगे इनका ऐसा कहना है कि ये इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि वन शुड स्ट्राइव टू वर्ड्स to टू राइज टू हायर लेवल्स टू अचीव ये भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है बहुत मेहनत ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करी है इस जजमेंट को लिखने के लिए लेकिन इस जजमेंट से मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी का भला हो रहा है या स्टूडेंट कम्युनिटी का भला हो रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दबल हाई कोर्ट एंड द जजेज मुझे लगता है कि ये जजमेंट कहीं से कहीं तक एक्सीलेंस को अचीव करने वाला नहीं है उसका रीज़न मैं समझा दूं क्यों फिर मैं आगे और चीज़ें बताऊं अगर पूरे भारत में एक समान कोई एग्जाम लेने वाली संस्था होती सारे स्टूडेंट्स के एक समान एग्जाम होते और उसके बाद आप ये शब्द ये भाषा का उपयोग करते तो बढ़िया होता भारत में ऐसे कई सारे भारत भर में मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा भारत भर में कई सारे ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं जहां स्टूडेंट के जाने की ज़रूरत ही नहीं है और उनको ज़्यादा परसेंटेज मिल जाते हैं ऐसे कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को भर भर के मार्क्स दे रहे हैं और वहीं कहीं ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो मैक्सिमम मार्क्स देते ही नहीं है परसेंटेज देते ही नहीं है इवन यूनिवर्सिटी टॉपर के सेवेंटी मार्क्स नहीं होते हैं तो आप कैसे बात कर सकते हैं कि सेवेंटी परसेंट से ज्यादा नंबर लेने वाला ब्रिलियंट होगा और सेवनटी परसेंट से कम लाने वाला ब्रिलियंट नहीं होगा एक रीजन दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले वो बीमार हो जाए या किसी और कारण से उस बच्चे के पास सुविधा नहीं है और वो बच्चा सेवेंटी परसेंट मार्क्स नहीं ला पा रहा है तो वो ब्रिलियंट नहीं रह गया लेकिन वही कोई बच्चा जो साल भर नहीं पढ़ रहा है एग्जाम के थोड़े दिन पहले पढ़े पांच क्वेश्चन याद किए वो पांच क्वेश्चन एग्जाम में बैठ गए इसने आंसर लिखा और इसको सेवेंटी मार्क्स मिल गए तो ये बच्चा ब्रिलियंट हो गया ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ और अगर आप ब्रिलियंसी चेक करने के लिए अगर आप कॉलेज के परसेंटेज को ग्रेजुएशन के परसेंटेज को मार्क्स मानते हैं तो फिर आप यह समझें कि क्यों आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले रहे हो फिर क्यों प्री प्रीम से इंटरव्यू का एग्जाम हो रहा है आपने डिसाइड कर लिया है कि ये ब्रिलियंट बच्चे हैं इंटरव्यू लेके सीधा उनको पोस्टिंग कर दीजिए फिर आप एक बात और बताइए मुझे कि यूपीएससी नाम की एक संस्था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो देश में आईएएस ऑफिसर को चुन रही है आईएएस ऑफिसर कौन है ऐसा इंसान जो हाई मोरल इंटीग्रिटी और डिग्निटी का आदमी है वो जो पूरे जिले को चलाने वाला है एक्चुअली एक आई ऑफिसर ही है जो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है वही है जो देश की दिशा और दशा को निर्धारित कर रहा है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म कौन भर सकता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो कितने परसेंटेज चाहिए वो थर्ड डिवीजन में पास हुआ हो तो भी फॉर्म भर सकता है वो फेल होकर पास हुआ हो तो भी फॉर्म भर सकता है और उसके पास भी आई बनने की अपॉर्चुनिटी है इसका मतलब यह है कि किसी कारण से अगर कोई अपने ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं बना पाया तो पढ़ाई करे मेहनत करे ब्रिलियंसी को अचीव करे और साथ ही एग्जाम पास करके जज बन सके या आई ऑफिसर बन सके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब ही यह है लेकिन उस सारे मतलब को यहाँ पर में हटा दिया गया है फिर लिखा है दी अमेंडमेंट इज टू एंश्योर दैट आउट स्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट विद ब्रिलियंट अकेडमिक करियर आर एलिजिबल टू कंपीट फॉर द एग्जाम इन

वर्तमान समय तक 2023 तक जब ये नोटिफिकेशन आया तब तक हमने क्या देखा है कि कितने जजेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिश्री में आए हैं या लोअर जुडिशरी में भी हैं जिनके 70 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स हैं क्या हमने ये देखा कि 70 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स वाले सही जजमेंट दे रहे हैं और सेवेंटी से कम मार्क्स वाले गलत जजमेंट दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है क्योंकि निर्णय का लिखा जाना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है सबसे पहला डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है फिर डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है फिर डिपेंड करता है लॉ की नॉलेज को आप अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक रिकॉर्ड से तय नहीं होता है तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके सामने भी ये बात रखना चाह रहा हूं आप लोगों से तो बात कर ही रहा हूं और इन बातों को अगर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से उठाया जाए तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को क्वैश करेगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में अपीयर होने का मौका देगा फिर 79 नंबर का जो पहा है ये जो ऑपरेटिव पार्ट है लास्ट कंक्लूजन ये है ये लिख रहे हैं हैंस फॉर ऑल अफोर्सेड रीजन्स इन्होंने बहुत सारे रीज़न दिए हैं मतलब इन सारे रीजन्स पर मैं बात करूँ तो शायद दिन पूरा कम पड़े लेकिन मैंने समरी इसकी बताई है ये क्या कहना चाह रहे हैं और लास्ट पैराग्राफ में लिखा है फॉर ऑल दी अफोर्सेड रीजन्स वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर इन सब पर चर्चा करने के बाद ये ऑर्डर पास कर रहे हैं पैरा नंबर 79 में लिखा है द रिट पिटीशन आर डिसमिस्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग एक्सटेंट सारे रिट पिटीशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया और क्या बात मानी है इन्होंने बस एक बात मानी है कि जो तीन साल का प्रैक्टिस चाहिए उसमें छः केस पर ईयर या ऑर्डर शीट जो मांगी गई है उसमें वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं बाकी सारी बातें एज इज़ हैं एज इट इज़ का मतलब ये है कि अब जो एग्ज़ाम में फॉर्म भर पाएंगे स्टूडेंट्स वो वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिनके अगर ओ और जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं तो ये सेवेंटी परसेंट या उससे ज़्यादा मार्क्स वाले चाहिए अगर एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं तो ये फ़िफ्टी परसेंट मार्क्स या अबव वाले फॉर्म भर सकते हैं अगर किसी के सेवेंटी या फिफ्टी परसेंट मार्क्स नहीं हैं तो स्पष्ट मान लीजिए कि उनको तीन साल की प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए तीन साल की प्रैक्टिस चाहिए का मतलब यह है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कम से कम छः केस में अपियर हुए हों या आप किसी केस में अपियर हुए हों आपको बार का सर्टिफिकेट लाना होगा कि हाँ ये तीन साल से एनरोल्ड है और कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है इसको सफिशियंट माना जाएगा फिर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ई कैटेगरी के, के लिए कोई रिजर्वेशन एम पी जुडिशरी में नहीं होगी ये जो है इनका फाइनल ऑर्डर है और इस ऑर्डर के साथ जो 79 का पैराग्राफ टू है इसमें लिखा है पेंडिंग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ जितने भी और इंटरलॉकेटरी पिटिशन आए हैं इससे रिलेटेड वो सब इन्होंने डिस्पोज कर दिया उसको समाप्त कर दिया वो खारिज हो गए तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा कि हाईकोर्ट कहना क्या चाह रहा है और अभी क्या काम की बातें हैं अब एक क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों ने मीन्स का एग्जाम दिया है उनका क्या होगा तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट ये इशू करेंगे जारी करेंगे वो रिजल्ट जारी करेंगे ये इनके नए ऑर्डर के हिसाब से मतलब जो 70 परसेंट प्लस मार्क्स वाले हैं उनमें से ही लोगों को चुना जाएगा जनरल यानी यूआर और ओबीसी में से वहीं एस सी में से उनको चुना जाएगा जिन्होंने 50 परसेंट या ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके पहले ही जैसा कि मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी एडवोकेट से कुछ कैंडिडेट से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करने की तैयारी हो गई है कुछ पिटिशंस तो पहुंच भी गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट बेसिस पे इन पिटिशन को सुनेगा और सुनने के बाद वो स्टूडेंट्स के फेवर में जजमेंट देंगे तो आपको कहीं से कहीं तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये जो रूल्स आए हैं ये कहीं से कहीं तक आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 14 जो समता के अधिकार की बात करता है उसके खिलाफ़ है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है मतलब सभी लोग कानून की नज़रों में समान होंगे और ये रीज़नेबल क्लासिफिकेशन में कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा कि 70 परसेंट मार्क्स वाले जो हैं वो ब्रिलियंट हैं और 70 परसेंट से कम वाले ब्रिलियंट नहीं हैं मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी वेट करना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो लोग एमपी पी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़े सजेशन मेरे पास में है एक सजेशन तो ये है कि आप मेंस का एग्जाम दे चुके हैं तो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करते रहें मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा जिनके मेन्स में मार्क्स अच्छे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एम के साथ में छत्तीसगढ़ एक स्टेट है जिसकी तैयारी करते रहें क्योंकि एम और छत्तीसगढ़ का सिलेबस लगभग सेम है इसके साथ ही आप झारखंड उत्तराखंड राजस्थान जैसे राज्यों की तैयारी कर सकते हैं यूपी बिहार भी आप टारगेट में ले सकते हैं तो जो कैंडिडेट्स एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे उनको कहीं से कहीं तक हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है ध्यान रखिए और विश्वास रखिए कि अंधेरा चीरकर एक नूर निकलेगा अंधेरा चीरकर एक नूर निकलेगा और आपके हिस्से का सूरज जरूर निकलेगा जुडिशरी पर आस्था बनाए रखिए मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत जल्द ही आपके फेवर में आ रहा है और जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से अगर आप इस जजमेंट के बारे में या किसी और बारे में कुछ और जानना पूछना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर हमें बताइए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से नमस्कार जय हिंद